आज मैं चिकन पुलाव तैयार कर रही हूँ और वो भी ऑलिव ऑयल में। आप सोचते होंगे कि ऑलिव ऑयल में किस तरह से, ऑलिव ऑयल तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कम ऑयल में मैं आपको ये पुलाव तैयार करके दिखाऊंगी। बहुत मज़े का तैयार होता है, जैसे हम रूटीन में पुलाव तैयार करते हैं। बहुत आसान है, आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया है और ये आपको दिखा दूँ, ऑलिव ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन पे होता है, ठीक है। बहुत कम में आज पुलाव आपको बनाना सिखाऊंगी, कि बहुत आसान है जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना होता और बहुत हेल्थ की वजह से दूसरे ऑयल भी यूज़ नहीं करते, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। 2, 3, 4 और ये 5 टेबलस्पून, ठीक है। अब इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। और अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को इसमें 2 मिनट तक कुक होने देना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन मैंने लिया 1.5 kg और इसे अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि इसमें से पानी वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। और अब इस चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक होने देना है। चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। आपको बताती चलूँ कि 7 से 8 टमाटर दरमियाने साइज़ के मैंने लिए हैं और उनका पेस्ट तैयार कर लिया। अब इसमें नमक डाल देना है 3 टेबलस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। धनिया कुटा हुआ 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, साबित काली मिर्च 1 टीस्पून, लौंग 8 से 10 अदद, सिनेमन स्टिक। अब इसमें से एक निकालनी है, देखें कितनी साफ़ सुथरी और कितनी ज़बरदस्त है ये एक स्टिक, ठीक है। ये फ्राई किए हुए ऑनियन मेरे पास रखे हुए हैं, ये इसमें डाल देना है तकरीबन 1 कप के करीब, और थोड़े से रखने हैं लास्ट में दम पर जब डालेंगे इसमें। अब इसे कवर कर देना है और फ्लेम को स्लो कर देना है 5 से 6 मिनट के लिए। इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मसाला भी बहुत अच्छा सा इसमें भुन चुका है। अब यहाँ पर इसमें पानी डाल देना है तकरीबन 14 कप्स के करीब। अब इसे कवर कर देना है और पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, अब इसमें राइस डाल देना है। राइस का आपको बता दूं कि मैंने सेला राइस लिया 1.5 kg, और कप्स में देखें तो ये 7.5 कप्स तैयार हुए। मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले इन्हें साफ़ करके और पानी में भिगो कर रख दिया था। इस तरह से भिगोने से ये होता है 2-3 घंटे पहले चावल बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। अब यहाँ पर इसमें लेमन डाल देना है, तकरीबन 2 से 3 अदद लेमन का जूस इसमें डाल देना है। अब पानी खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब इसे दम दे देना, और दम देने का ये तरीका कि इस पैन के नीचे मोटा पहले तवा रख देना। अब इसके ऊपर जीरा डाल देना है 1 टीस्पून, इसे कवर कर दिया मैंने। अब इसे पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखना है, ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो कर देना है। चावल को दम देते हुए 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। बहुत खिले खिले चावल तैयार हुए हैं और बहुत इसकी खुशबू आ रही है। आपने देखा कि मैंने कम ऑयल में किस तरह से चिकन पुलाव तैयार किया है। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। बल्कि आपको बता दूं कि जब मैं सऊदी अरेबिया में थी, तो यकीन करें वहाँ पर सब खाने के ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डालते हैं और फिर खाना खाते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसका इस्तेमाल करें, बच्चे हैं या बड़े हैं, सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो आपने इसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़े का ऑलिव ऑयल में पका हुआ चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।